खबर है एटा से। फरुखाबाद सपा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर ने अलीगंज लोकसभा 103 में मीटिंग का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सपा से प्रत्याशी हूं और मैं बड़े ही उम्मीद से आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि वह इस चुनाव को जिताएंगे और मैं अपनी 103 विधानसभा को भरोसा दिलाता हूं कि जो मुझे सांसद बनने पर पहली तनख्वाह मिलेगी उससे मैं गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करूंगा, ये मेरा वादा है। आगे डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि मैं आपकी सेवा करने आया हूं, एक बार मुझे मौका दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सबका सिर झुकाकर नमन करता हूं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवेश जुबैरी, सुभाष चाक के पूर्व प्रधान रामवीरेश व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राघवेंद्र यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज अलीगंज में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, किस तरीके, क्या मुद्दे थे और किस चीज को लेकर ये मीटिंग? ये मुद्दा नहीं है, ये हमारा समाजवादी परिवार है, ये समाजवादी हमारा परिवार है और समाजवादी पार्टी के जितने भी बूथ सेक्टर और जोन के हमारे पदाधिकारी थे, इनका एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम सब लोगों ने मिलजुल के आज समाजवादी पार्टी की जो नीतियां थी, श्रद्धेय नेताजी का जो सपना था, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है, इंडिया गठबंधन का जो सपना है, उनके सिद्धांतों को लेकर आपस में एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से आज मीटिंग का आयोजन करने का काम किया है।